हेलो व्यूअर्स, मैं सरला गुप्ता बोल रही हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सरलास कुकिंग और सरलागुप्ता.com पर। आज हम बनाने जा रहे हैं रगड़ा पेटिस। रगड़ा पेटिस एक्चुअली बनता है सूखे हुए पीस से, मटर से, और उसी को रात को भिगो करके हम बनाते हैं। और ये गुजरात की स्ट्रीट फूड है जो आपको बहुत पसंद आएगी, साथ में पेटिस यानी आलू की टिक्की। आप चलो बना के ट्राई करते हैं। रगड़ा पेटिस बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने चार आलू लिए हैं, बॉईल किए हुए हैं। इसको हम मैश करके इससे आलू की टिक्की कहें या पेटिस बनाएंगे, जिसमें हम पोहे का थोड़ा सा पाउडर डालेंगे और सारे मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया सब। और हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टमाटर की, डेकोरेट करने के लिए या थोड़ा सा डालने के लिए इन मटर में। और ये है सूखी हुई मटर जिसको हमने उबाल लिया था, जिसको वटाना कहते हैं गुजराती में, लेकिन इसको हमने उबाल लिया था, इसी से हम रगड़ा बनाएंगे। और धनिया चाहिए, और हमें प्याज चाहिए, टमाटर है, थोड़ी सूखी सेव चाहिए डेकोरेट करने के लिए, गार्निशिंग के लिए, और हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा हरी चटनी चाहिए, और इमली की चटनी भी चाहिए हमें। तो हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम पेटिस बनाएंगे तो हमने आलू बॉईल किए और आलू को इस तरह से अच्छी तरह से मैश किया। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा हरी मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, और नमक डालेंगे एक चम्मच। नमक आप जितना पसंद करते हैं उतना डालिए। फिर थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन भी आप डाल सकते हैं, और एक दो चम्मच प्याज डालेंगे। इसे हम लोग इसकी आलू की टिक्की इसे बनाएंगे ना पेटिस। और फिर थोड़ा सा पोहे का जो पाउडर बनाया था हमने वो डालेंगे ताकि वो बाइंडिंग का काम करेगा। थोड़ा सा हमने डाला अनारदाना, अनारदाने का पाउडर है ये, और हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। और इन सबको अच्छी तरह मैश करके हम इससे टिक्की बनाएंगे। चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, अच्छी लगती है, कलर थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे इसके अंदर, और इससे हम टिक्की बनाएंगे। अब हम इस रगड़ा को, जो मटर है सूखी, उसको छौंकेंगे। हमने थोड़ा ये जीरा डाला था, थोड़ी हींग डाली, फिर हम इसमें अदरक, लहसुन और जिंजर का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा उसे सॉफ्ट करेंगे, बस कच्चा पानी निकालेंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे थोड़ी सी, इसको अच्छी तरह सौते करेंगे ताकि इसका कच्चा पानी निकल जाए। हमें थोड़ा टमाटर भी डालिए इसके अंदर, टमाटर गलने तक भुनेंगे। हमने एक सिनेमन डाला, फिर हम मसाले डालते हैं।
नमक और हल्दी, हल्दी डाल देते हैं, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा नमक, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी डाल दिया, धनिया पाउडर, हम रगड़ा डाल देंगे, मटर जो हमने उबाल के रखी थी। ये ऑलरेडी उबली है तो 5 से 7 मिनट के अंदर बस इसको हमको करना है, अभी तैयार है ये। ये हमारा रगड़ा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम पेटीज बनाएंगे, धनिया भी डाल दिया हमने, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब हम पेटीज बनाएंगे, फिर पेटीज के साथ इसे खाएंगे। हम आलू की पेटीज बनाएंगे इस तरह। आलू को हमने बहुत अच्छी तरह मैश किया था, उसमें सारे मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची, धनिया, अमचूर, सारे अमचूर की जगह हमने अनार दाना डाला था। थोड़ा सा या तो ब्रेड क्रम में या पोहे के पाउडर में इसे थोड़ा लगा करके फिर हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। ये हमारी सारी पैटीज बनके तैयार है, अब हम इन्हें सेलो फ्राई करेंगे। तो चलिए हम इसे सेलो फ्राई करते हैं। तेल हमने रखा है, हमें टिक्की फ्राई कर रहे हैं। ये हल्का मीडियम आंच पे रखेंगे और इसको हल्का सा गुलाबी होने देंगे लाल। इसके बाद हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब हम रगड़े को इस तरह खाएंगे ना, पहले हम थोड़ा रगड़ा रखेंगे, फिर हमारी जो ये टिक्कियाँ बन के अच्छी तरह तैयार हुई हैं हम उसको रखेंगे पहले। इसको हम फिर थोड़ा रगड़ा ला लेंगे। इसको हम थोड़ा धनिया डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर हरी चटनी रखेंगे। अगर आप ज़्यादा खाते पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। हम थोड़ी मीठी चटनी थोड़ी सी डालें पहले, फिर हम मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ा नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे, थोड़ी सी ऑनियन डालेंगे हम, फिर टमाटर डालेंगे थोड़े से, फिर थोड़ा धनिया और डालेंगे, फिर मीठी चटनी अगर आप दोबारा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट अच्छा लगता है। फिर हम डालेंगे ये सेव, इसमें सेव बहुत जरूरी होती है, इससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये हमारा रगड़ा पेटीज बिल्कुल तैयार है, आप खाइए इसे और टेस्ट अच्छा होता है इसका। तो अब
आपको इस तरह दिखाती हूँ। आप खाइए और इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको बहुत पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।